वस्त्र मंत्रालय के केंद्रीय रेशम बोर्ड द्वारा देवसदन में रेशम धागे व इससे बनने वाले धागों को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रेशम से बने उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसका शुभारंभ कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग द्वारा किया गया। इस सेमिनार में बुनकरों और रेशम उत्पादन से जुड़े उद्यमियों ने भाग लिया। सेमिनार को संबोधित करते हुए कुल्लू के उपायुक्त ने कहा कि रेशम उत्पादन में प्रदेश की जलवायु अनुकूल है और बुनकर रेशम धागे का अन्य धागों के साथ मिलकर एक अच्छा उत्पाद। इस वर्कशॉप के माध्यम से जो है, जहां एक तरफ ये हमारे वीवर्स को इस सिल्क की जो जो वैरायटीज का यहाँ पोटेंशियल है, जिनको जिनकी प्रोडक्शन को इन्हेंस किया जा सकता है, उसके बारे में जागरूक भी कर रहे हैं। साथ ही साथ सिल्क को जो हमारे ट्रेडिशनली यहाँ पे वूलन शॉल्स और वूलन प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनके साथ कैसे मिक्स करके हाइब्रिड करके जो है प्रोडक्ट्स में इनोवेशन लाई जा सकती है, उसके बारे में भी अच्छी जानकारी इनकी ओर से दी जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह की वर्कशॉप से आगे चलकर हमारे डिस्ट्रिक्ट में और हमारे स्टेट में रेशम का प्रोडक्शन बढ़ेगा और वर्ल्ड मैप पे भी हम लोग कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के साथ इवन सिल्क में भी जो है वो स्टेट का नाम आगे बढ़ेगा। रेशम विकास निगम के उप निदेशक बलदेव चौहान ने बताया कि प्रदेश में 32 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है और अभी तक हिमाचल प्रदेश में अभी तक 32 मीट्रिक टन रॉ सिल्क हम तैयार कर रहे हैं। लगभग 10,485 फार्मर जो है इस कार्य से जुड़े हैं और 15 रेशम धागाकरण इकाइयाँ हिमाचल के भिन्न भिन्न जिलों में स्थापित की गई हैं। अभी तक हिमाचल प्रदेश में सिर्फ हम रेशम धागा ही तैयार करते थे, कुकून उत्पादन के बाद रेशम धागाकरण ही किया जाता था, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जिला मंडी के वाली चौकी में रेशम उद्यमिता विकास एवं नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत जो भी कच्चा रेशम हिमाचल में तैयार होगा उसको हमारा जो हिमाचल का ऊन और पश्मीना है उसके साथ ब्लेंड करके हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं।